एक लर्नर का क्वेश्चन है कि प्रोवेन टू क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। वर्ड प्रोवेन एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है साबित किया गया या माना गया। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आप एक विद्वान साबित हुए हैं, यानी आप एक स्कॉलर साबित हुए हैं। कई बार इस सेंटेंस को लोग ऐसे भी कहते हैं, आपको एक विद्वान माना गया है। तो चाहे आप कहें माना गया है या साबित हुआ है, जो भी कहें, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप टू बी फॉर्म के साथ लिखेंगे प्रोवेन टू। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। आपको एक विद्वान माना गया है या आप एक विद्वान साबित हुए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर प्रोवेन टू बी अ स्कॉलर, यानी आपको एक विद्वान माना गया है या आप एक विद्वान साबित हुए हैं। अगर आपको कहना हो मुझे एक धोखेबाज माना गया है या मुझे एक धोखेबाज साबित किया गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम प्रोवेन टू बी अ चीटर, यानी मुझे एक धोखेबाज ठहराया गया है, माना गया है या साबित किया गया है। अगर आपको कहना हो कि यह एक कामयाब ट्रिक माना गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे This is proven to be a useful trick, यानी इसे एक कामयाब ट्रिक माना गया है या सिद्ध हुआ है। अगर आपको कहना हो कि शराब को कैंसर का वजह माना गया है या कैंसर का वजह साबित हुआ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Alcohol is proven to cause of cancer, यानी अल्कोहल को कैंसर का वजह माना गया है या फिर साबित हुआ है कि अल्कोहल कैंसर की वजह है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि प्रोवेन टू क्या है। यहाँ मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि अक्सर लर्नर प्रोवेन टू और प्रूव्ड को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वे समझते हैं कि ये दोनों एक ही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। प्रोवेन टू एक एग्जेक्टिव है जो टू बी फॉर्म के साथ आती है, जबकि प्रूव्ड एक वर्ब है जो अपने वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है और जिसका मतलब होता है साबित हुआ या साबित किया। जैसे मैंने आपको गलत साबित किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रूव्ड यू रॉन्ग, यानी मैंने आपको गलत साबित कर दिया। अगर आपको कहना हो कि मैंने इस बात को साबित किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रूव्ड दिस मैटर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इन सभी सेंटेंसेस में मैंने वर्ड प्रूव्ड को एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि वर्ड प्रूव्ड एक वर्ब है जो यहाँ पर अपने सेकेंड फॉर्म में आई हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि प्रोवेन टू क्या है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए